नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ब्रोमियम के बारे में, उसके गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रोमियम होम्योपैथिक मेडिसिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करती है, यानी कि श्वसन तंत्र के किसी भी प्रकार के रोग में यह मेडिसिन आपको बहुत हेल्प कर सकती है। ऐसे केसेस जिनमें डिप्थीरिया देखने को मिल रहा हो या डिप्थीरिया का अगर केस हो, ऐसे केस में ब्रोमियम का बहुत ही अच्छा रोल है। अगर पेशेंट में ब्रोंकाई में, लैरिंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है मेम्ब्रेन्स बन गई हो, जैसा कि डिप्थीरिया में होता है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिससे कि सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है, प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन में ब्रोमियम मेडिसिन का बहुत ही अच्छा रोल है। यह मेडिसिन आपको डिप्थीरिया से रिकवर कर सकती है। दूसरा जो सिम्टम है वो सेलर्स अस्थमा के बारे में है, यानी कि अस्थमा की ऐसी कंडीशन जो कि सेलर्स में होती है, यानी कि जो नेवी में, मर्चेंट नेवी में, या जो कि समुद्र में रहने का ही काम है जिनका, जो 6 महीने साल भर तक जो है समुद्र में ही रहते हैं, सी में बीच में ही रहते हैं, शिप्स पे रहते हैं, अपना उनका ऐसा काम है, और वहाँ पर उनको अच्छा फील होता है, लेकिन वो जैसे ही शोर पे आएंगे, किनारे पे आएंगे, उनको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है या बढ़ जाती है, अग्रवेट हो जाती है अस्थमा की कंप्लेन। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर सिम्टम मिल रहा हो तो ऐसी कंडीशन में ब्रोमियम आपको हेल्प कर सकती है। ब्रोमियम के पेशेंट को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है, विशेषकर इंस्पिरेशन में, यानी कि जब वो सांस अंदर की ओर लेता है, खींचता है पेशेंट, तो ऐसे में उसको बहुत दिक्कत होती है। उसको ऐसा लगता है जैसे वह सांस जो है स्पंज के बीच में से खींच रहा हो, और उसकी जो नोज है या इसमें कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो, रुकावट हो, ऐसा उसको फील होता है। स्पंज जैसा उसको लगता है कि वो बहुत ही मुश्किल से सांस इंस्पायर कर पा रहा है, ले पा रहा है। अगर हवा इंस्पिरेशन के टाइम पे ठंडी महसूस हो रही हो, अगर ऐसा सिम्टम है, तो ब्रोमियम आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट पे है, यानी कि हार्ट अगर हाइपरट्रॉफीड हो जाए, उसके टिश्यूज जो है ओवरग्रो कर जाए या बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी ब्रोमियम आपको हेल्प कर सकती है। अगला सिम्टम जो है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन पे है। अगर पेशेंट को फाइसोमेट्रा की कंडीशन होती है, फाइसोमेट्रा एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है कि पर वेजाइनल या वेजाइना के थ्रू पेशेंट को गैस पास होती है, फ्लैटस पास होता है, अगर लाउड फ्लैटस पास हो रहा है वेजाइना से, और ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, तो ब्रोमियम मेडिसिन जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी है। लास्ट जो सिम्टम है वो गॉइटर पे है। अगर थायराइड के पेशेंट जिनमें गॉइटर देखने को मिल रहा है, यानी कि ग्लैंड जो है थायराइड की वह बढ़ गई हो, गॉइटर का रूप ले लिया हो, और वह गॉइटर जो है वेल इंडिकेटेड मेडिसिन जैसे कि आयोडम है वो देने पर भी ठीक नहीं हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में अल्टरनेटिवली आप ब्रोमियम ट्राई कर सकते हैं। ब्रोमियम का गॉइटर के केस में भी अच्छा रिजल्ट है, विशेषकर जहाँ पर आयोडम फेल हो जाती है, ब्रोमियम आपको हेल्प कर सकती है। ये थे कुछ गाइडिंग सिम्टम्स, कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स जो कि आपको मेडिसिन सेलेक्शन में काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले ही किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।